एक सवाल हमारे पास आ रहा है, पहले सोशल मीडिया पर वो लेते हैं। मुंबई से संतोष मंगत जी जियो फाइनेंस पर सर पूछ रहे हैं, 3060 शेयर इनके पास 253 के भाव पर, जियो फाइनेंस पर राय लेना चाहेंगे फिलहाल अभी इस स्टॉक पर, इन्हें नियर टर्म में कैसा व्यू रखना चाहिए? देखिए, मुझे लग रहा है कि अगर यहाँ पे जियो फाइनेंस में इन्होंने पैसा लगाया तो कम से कम 2 साल का व्यू लेके इसमें होल्ड करना चाहिए। देखिए, एक ऐसी कंपनी है जो फाइनेंशियल सर्विसेज में आने वाले सालों में बहुत बड़ा डिस्ट्रप्शन करने की कैपेसिटी रखती है। इनकी बैलेंस शीट साइज 1,30,000 करोड़ है, तो ऑब्वियसली आने वाले 2 साल में बहुत सारे ऐसे फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स और सर्विसेज कंपनी लॉन्च करेगी। और सबसे बड़ी बात, जो जियो टेलीकॉम है, इनके तो कम से कम 50 करोड़ कस्टमर है, तो इनको कस्टमर्स पाने में कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। तो 2 साल के बाद ही आपको रियल रिस्क रिवॉर्ड इस कंपनी में मिलेगा। शॉर्ट टर्म में तो मुझे नहीं लगता है कि कोई बड़ी बढ़त आएगी, क्योंकि जब तक कंपनी के पहले क्वार्टरली तिमाही रिजल्ट नहीं आते, बिजनेस कॉमेंट्री नहीं आती, तब तक यू नो मार्केट को भी अंदाजा नहीं है कि फाइनेंशियल कैसे पैन आउट होंगे। लेकिन लॉन्ग टर्म पिक्चर अच्छा है, तो 2 साल के नजरिए से यहाँ पे होल्ड करना चाहिए। 2 साल के व्यू के जियो फाइनेंशियल में होल्ड करें, यही आपके लिए राय अविनाश जी दे रहे हैं।